نحمد ونصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين امين يا رب العالمين अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों लाख शुक्र है कि अल्लाह सुभान व तआला ने फिर से एक बार हम सबको मौका दिया है कि हम सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक से कुछ मालूमात अपने जहन में इजाफा करें, अपने इल्म में इजाफा करें और अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह उससे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसरतुल कुरान के जो सीरत सेशन चल रहा है उसके हम 15th सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। लास्ट क्लास में पूरा, क्योंकि थोड़ा सा गैप पादिंग की वजह से हम लोगों ने उसको पूरा रिवीजन करके कवर अप करने की कोशिश की थी। उम्मीद है आप लोगों को वो तमाम चीजें अब तक की क्लियर समझ में आ चुकी होंगी। आज इंशाल्लाह हम लोग उसी सिलसिले को जो 14th का था, टॉर्चर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिजरा टुवर्ड्स एबिसिनिया, यानी कि अब जो कॉल जो नाम है उसका इथोपिया के नाम से मशहूर है, तो वहां पर किस तरीके से वो लोग गए थे और क्या क्या हालात पेश हुए थे और मोमिनों का क्या रवैया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से उस वक्त जो है ना उन हालात का मुकाबला किया था, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था जो है ना बिलाल हजरत बिलाल बिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उमैया बिन खल्फ जो है ना उनके गुलाम रहने के बावजूद उन पर किस तरीके से सख्तियां की गई थी, हजरत अम्मार बिन यासिर जो बनु मखज़ूम के गुलाम थे उनके ऊपर किस तरीके से उनका पूरा खानदान पे जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा था मगर उन्होंने मौत को गले लगाना, शहादत को गले लगाना पसंद फरमाया बजाय इसके कि कुफ्र के कलमे पर जान जाए, क्योंकि वो लोग इस चीज की हकीकत को समझ चुके थे कि अगर जिंदगी ईमान के बगैर मिलती है तो फिर वो जलालत और जो है ना वो अजाब का जरिया बनती है और मौत ईमान पर आती है तो फिर वो निजात और आखिरत के लिए कामयाबी का जरिया बनती है। अल्लाह सुभाना ताला इन किरदारों के जरिए हमारे ईमान को पुख्ता करे और ऐसे हालात हमारी जिंदगी में ना आए लेकिन फिर भी हमें इन हालात को जानकर हमारी जिंदगी में पेश आने वाली छोटी मोटी, चाहे हिजाब के जरिए से हो, चाहे किसी जो है ना रिचुअल्स को तोड़ने की वजह से हो, अगर कोई परेशानी आती है, कोई जो है ना सख्त रवैया हमारे पेश आता है तो उस वक्त हम ये इन वाकियात को याद करके अपने दिल को मजबूत कर सकते हैं कि जब भी इल्म के साथ अमल की कोशिश की गई है तो कुछ जो है ना लाइल्म लोग या फिर जहालत पर मबनी लोगों का जरूर जो है ना आपको उसका इलाज फिर यही होता है कि उन्हें भी इल्म की रोशनी दी गई हो, रोशनी के लिए फराहम किया गया हो, यानी हम भी उन्हें अपने साथ खींच कर इन महफिलों का हिस्सा बनाएं, इन इल्मी जो है ना दौर दराज से जोड़ दें तो इंशाल्लाह वो रुकावटें हमारे लिए सहारा और हमारे लिए हमारी इन इम्प्लीमेंटेशन में साथ भी दे सकती। तो वो जो टॉर्चर है इंशाल्लाह उसका सिलसिला अभी कुछ वाकियात बाकी हैं तो वो सिस्टर हमारी शाहिना बाजी इंशाल्लाह वो शेयर करती हैं, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह उस चीजों को कंटिन्यूएशन देखती हूँ कि अबू जहल किस तरीके से रवैया करता था। ये तमाम चीजें 2-3 कैरेक्टर्स के अभी थोड़े टॉर्चर्स बाकी हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं कंटिन्यू करूंगी कि किस तरीके से दारुल अरकम में महफिलें जमती थी, किस तरीके से तालीम तरबियत का वाकया पेश होता था और फिर जो है ना फर्स्ट हिजरत किस तरीके से पेश आई, वो पहलू इंशाल्लाह दो मैं डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं इंशाल्लाह हमारे शाहिना बाजी हमें उन चीजों के बारे में क्या बताती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह। जैसा कि हमारी टीचर फरहत ने बताया कि पिछले सेशन में हमने उन लोगों की जिस्मानी अजियतों के बारे में देखा था जो कि कमजोर तबके से थे, जो कि गुलाम थे, और इस सेशन में हम अपने क्लास के 15वें सेशन में यह देखेंगे कि सिर्फ उन कमजोर लोगों पर ही जुल्म नहीं ढाया गया बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई गई, अजियतें पहुंचाई गई और उनको ये सारी तकलीफें जहनी, जज्बाती और जिस्मानी हर तरह से पहुंचाई गई और उनको इससे सबसे बहुत तकलीफ पहुंची।
कभी अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मदद की गई और कभी अल्लाह ताला ने किसी हिकमत के तहत उनकी मदद नहीं की। तो यह है जो जिस्मानी अजियतें पहुंचाई गई, उन सब में सबसे बड़ा नाम अबू जहल का है। अबू जहल कौन था? अबू जहल का किरदार बहुत ही नुमाया है, जिसने बहुत ही बदतरीन तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई। अब जानते हैं कि यह है कौन अबू जहल, आप सब उनसे वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी एक बार याद दहानी के लिए यह बताते चलें कि उनका असल नाम, यानी उसका असल नाम अमर इब्ने हिशाम था और अबू जहल उसकी कुनियत थी। अबू जहल का मतलब क्या होता है? जाहिलों का बाप, और उनके वालिद का नाम हस्साम था। अबू जहल को अल्लाह ताला ने बेपनाह हिकमत दी थी और उसने हक को पहचाना, जिस हक को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया उसको पहचाना, लेकिन उसको तकब्बुर की वजह से उसने कबूल नहीं किया। इसीलिए कि हक को पहचानते हुए भी उसने हक को कबूल नहीं किया, उसे जाहिल कहा गया और उसे अबू जहल का नाम दिया गया, यानी जाहिलों का बाप। आम गलतफहमी है कि अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा नहीं था। वह किस कबीले से था? वह बनू मखजूम कबीले से था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से थे? बनू हाशिम कबीले से थे। और वह यह सोचता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत पेश कर रहे हैं, इसकी वजह से खानदानों में तफरीक पड़ रही है, यानी खानदान बट रहे हैं। इस कोई बेटा इस्लाम कबूल कर रहा है तो उसके घर वाले उसे अलग कर दे रहे हैं, या कोई बाप है तो वह कबूल कर रहा तो वह अपने खानदान को छोड़ दे रहा, ऐसा उसका सोचना था, ख्याल था। और उसने उसका जो कैरेक्टर था, वह कैरेक्टर बहुत सच, वह किरदार में बहुत सच्चा था, लेकिन उसके अंदर तकब्बुर भरा हुआ था और इसी तकब्बुर के बेस पे उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया। वह यह सोचता था कि बनु हाशिम में नबी आए हैं तो मैं बनु अखजुम कबीले का आदमी होके क्यों बनु हाशिम के कबीले के नबी को कबूल करूं। यह एक रवायत थी कि सब कबीले अपने को बरतर समझते थे और वह अपना जो सरदारी था उसमें वो छोटा नहीं पड़ना चाहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया है कि हर उम्मत का एक फिरौन होता है, और अबू जहल क्या था? कि इस उम्मत का फिरौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ भी की थी, या अल्लाह अमर इब्ने हस्साम और उमर इब्ने खत्ताब दोनों में से किसी एक के जरिए इस्लाम को कुवत बख्श दे, और अल्लाह ताला ने उमर इब्ने खत्ताब को इस्लाम के लिए पसंद फरमाया और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। क्या अगर वह ईमान लाता तो उसके बारे में यह है कि वह भी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराबरी का ही होता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी खूबियां थी, लेकिन वह सारी खूबियां उसके तकब्बुर पर हावी थी। सही मुस्लिम की हदीस का मफहूम है कि सरदाराने कुवैत जो है, कुरैश जो है, सरदार कुरैश के सरदार जो है, वो लोग उन लोगों से अबू जहल ने कहा, इसके रावी हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने अपना चेहरा जमीन पे रखते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ। चुनांचे अबू जहल ने कहा, कसम लात और उज्जा की, अगर मैं उनको इस हालत में देखूंगा, यानी सजदे की हालत में, तो मैं उनकी गर्दन रौंद दूंगा या मुंह पर मिट्टी लगा दूंगा। फिर वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे और सजदे में थे, और वह इस इरादे से उनकी तरफ बढ़ा कि उनकी गर्दन पे अपना पांव रखते, लेकिन एकाएक लोगों ने देखा कि वह पलट रहा है, उल्टे पांव वह पलट रहा है। फिर लोगों ने पूछा कि तुझे क्या हुआ? वह बोला, मैंने देखा कि मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में आग का एक गड्ढा है, एक खंदक है, और उसमें
कोई ऐसी मखलूक है जिसके बाजू हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद में कि अगर वह मेरे नजदीक आता तो फरिश्ते उसकी बोटी बोटी को उचक लेते। और उसी वक्त यह आयत नाजिल हुई जो सूरह अलक की 9 से लेके 19 तक जिसकी अभी हमने तिलावत सुनी। इसमें इन्नल इंसान लायत कल इन्नल इंसान लायतगा जो है उसके बारे में ये बताया जाता है कि यह आयत अबू जहल के बारे में ही है। और उसको ये बताया गया कि उसके पहले जो 3 आयतें हैं वो तमहीद हैं और आयत नंबर 9 से यह बताया गया कि क्या आपने उस शख्स को देखा जो रोकता है एक बंदे को जो कि नमाज पढ़ता है। अरायतल लजी यन्हा अब्दा इजा सल्ला अरायता इन्नकाना अलल हुदा। एक बंदा जबकि वह नमाज पढ़ता हो वह उसको रोक रहा है, यानी यहाँ पे मुफस्सरीन लिखते हैं कि वह अबू जहल के लिए ही कहा गया। अरायता इन्न इला रब्बिका रुजआ, आपका क्या ख्याल है, क्या आप क्या आपका ख्याल है गजे वह बंदा सीधी राह पे है। और अरायता इन्नका लल अलाहुदा ओ अम्र बित तक्वा, अगरचे वह अल्लाह से डरने का हुक्म देता है। अरायता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, आपका क्या ख्याल है कि वह रोकने वाला और झुटलाता है और दीन इस्लाम से मुंह मोड़ता है। अलम यालम बी अन्न अल्लाह यरा, क्या उसे मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है। कल्ला ला इल्लम यन तही, हरगिज नहीं अगर वह बाज ना आया। लनस्फ अम बिन नासिया, यानी उसकी पेशानी के बाल को पकड़कर हम घसीटेंगे। क्यों पेशानी के बाल को पकड़ के, क्योंकि दिमाग यहीं पे होता है और हर जो मुजरिम है उसको जहन्नम में पेशानी से खींच कर ही डाला जाएगा। नासियतिन काजिबतिन खातिया, ऐसी पेशानी जो झूठी और खता करने वाली है। फल यद ओ ना दिया, बस वह बुला ले अपने मजलिस के लोगों को, यानी जो उसके साथी हैं उसको बुला ले। सनद उर रब्बानिया, हम भी जहन्नम के फरिश्तों को, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम भी जहन्नम के फरिश्तों को बुला लेंगे। कल्ला ला तोत वस्जुद वक्तरिब, हरगिज नहीं आप उसकी बात नहीं मानिए और अपने रब के सामने सिजदा कीजिए और उसका कुर्ब हासिल करिए। इंशाल्लाह आप लोगों ने सजदा कर लिया होगा, यह सजदे वाली आयत थी। और इसमें अबू जहल का किरदार को बिल्कुल नुमाया किया गया है कि वह उस बंदे को यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक रहा था जबकि वह सजदे की हालत में थे। और फिर लास्ट में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सजदे के जरिए से आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कीजिए। यानी यह भी बात हम जानते हैं, हदीसों से रवायत है कि जब इंसान सजदे की हालत में होता है तो वह अल्लाह ताला के बहुत ही करीब होता है। और हदीस का मफहूम है कि उरवा बिन अल अवाम जो कि एक ताबीन में से थे और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पैदा हुए थे। नेक्स्ट स्लाइड। तो उन्होंने एक बार अमर बिन आस अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजिल्लाहु अन्हुमा से पूछा, जो उरवा बिन जुबैर यह कौन थे, यह जुबैर बिन अवाम के बेटे थे और असमा बिन अबी बकर के बेटे थे और इनके भाई अब्दुल्लाह बिन जुबैर थे जो कि और नाना अबू बकर रजिल्लाहु ताला अन्हु मतलब और खाला जो थी आयशा रजिल्लाहु ताला अन्हा थी। और इन्होंने सहाबा से ही तालीम हासिल किया था। उन्होंने एक बार हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रजिल्लाहु अन्हु से पूछा कि सबसे बड़ी तकलीफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई है उसके बारे में मुझे बताएं। तो कौन
किससे पूछ रहे हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन मास। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज पढ़ रहे थे और वहां पर उतबा बिन अबी मोईत आया और उसने अबू जहल के इशारे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में अपनी चादर डालकर उसको इतनी जोर से आयटा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन भींचने लगी और आंखें बिल्कुल उबल गईं। जब तक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर मिली और दौड़ते हुए आए और उन्होंने उसको परे किया धक्का देके और कहा कि अतक्तलूना रजलुम अय्यकुल रबियल्ला वक़द जाअकुम बिल बय्यनातिम मिर रब्बिकुम, यानी तुम एक शख्स को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे पास अपने रब की तरफ से खुली हुई निशानियां लेके आया है। और यह आयत सूरह गाफिर या सूरह मोमिन में 28 नंबर आयत में है। आगे मसूद रजीला ताला अनहु जो कि एक बहुत बड़े फुकहा सहाबी थे और कुरान के बहुत ही नॉलेज उनके उनके पास था और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान भी सुना करते थे। वह गुलाम तबके से थे और उनके बारे में यह मशहूर है कि वह सफर में हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां अपने सीने से लगाए रखते थे और उनका एक कुनियत साहबुन नालैन भी पड़ गया था, यानी जूतियों वाला। उनसे एक हदीस रवायत है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत के बारे में ही है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अनुमा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के नजदीक नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल और उसके साथी वहां बैठे हुए थे। तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि फला कबीले में एक ऊंटनी जबह हुई है, कौन उसकी ओझड़ी ले आएगा? तो उसमें जो सबसे बदतरीन इंसान था उकबा बिन अबी मुईत उठा और वह जहां पे ओझड़ी फेंकी जाती थी वहां से वह उठा के लेके आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो उनके दोनों कंधों के दरमियान और गर्दन पर वह ओझड़ी रख दी। हम जानते हैं कि ऊंट कितना बड़ा जानवर है और उसकी ओझड़ी का वजन कितना ज्यादा होता होगा और कितनी गलाजत और उसमें खून और गंदगी पीप और जो अनडाइजेस्ट फूड रहते हैं और एक अजीब सी स्मेल होती है, वह चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे उस बदतरीन इंसान ने रख दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैं यह सब देख रहा था लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसको रोकता। वह एक गुलाम तबके के से थे और गुलाम बहुत ही कमजोर होता है इसलिए वह कुछ कर नहीं सके और जब उन्होंने यह काम किया यानी ओझड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पे रख दिया तो आपस में वो इतने हंसे कि हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरने लगे यानी लोटपोट होने लगे और उस ओझड़ी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर भी नहीं उठा सकते थे। जब फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को खबर मिली तो वो एक छोटी सी बच्ची थी, उस वक्त 6-7 साल की उम्र होगी उनकी, तो वह दौड़ती हुई आई और किसी तरह उन्होंने अपने बाप के गर्दन से वह ओझड़ी को उठा के अलग किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हुए उन लोगों से और उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा अलैका बिन कुरैश, ऐ अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, और इन्होंने यह बद्दुआ की और उन लोगों पर यह बात बहुत भारी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। शहर मक्का में जो दुआ की जाए वह ऐसा यकीन करते थे कि वह जरूर कबूल होती है। फिर आपने उनमें से हर एक का अलग अलग नाम लेके बद्दुआ की और उसमें उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह उन जालिमों को जरूर हलाक कर दे। उसमें अबू जहल, उत्मा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया, उत्पा बिन वलीद, उमैया बिन खल, उकबा बिन अबी मोईद और सातवें आदमी का नाम मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूल गए, उन्हें याद नहीं रहा। और उन्हीं की रवायत है कि वह सब के सब बदर की जंग में मारे गए और बदर के कुएं में फेंक दिए गए
और उन्होंने खुद अपनी आंखों से यानी अब्दुल्ला बिन मसूद ने उन्हें बदर के कुएं में पड़ा हुआ देखा। यहाँ हम देखते हैं कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है और एक नबी की बद्दुआ कैसे लगती है। आगे के जो स्लाइड्स हैं उनमें देखेंगे कि ये जो अजियतें पहुंचाई गई वही सिर्फ नहीं थी, यहाँ तक कि उनको कत्ल करने की साजिशें हो रही थी। और दारुल नदवा में कुरैश की सरकारों सरदारों ने मीटिंग की और अबू जहल जो था उसका चीफ था, हेड था, और उसमें कहते हैं कि सीरा में ये लिखा हुआ है कि उसमें शैतान भी शेख नाजदी के रूप में शामिल था और उसने हर तजवीज को ठुकराया। और जब यह तजवीज पेश की गई कि हर कबीले से एक एक नौजवान को, एक एक ताकतवर आदमी को लिया जाएगा और सब एक साथ तलवार लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेंगे, जिससे सारे कबीलों पर, किसी एक कबीले पर भी मतलब उसका इल्जाम नहीं आएगा, और जो ब्लड मनी होता है जिसको दियत बोलते हैं उर्दू में, यानी एक कंपनसेशन होता है जो कि किसी कत्ल करने वाले तो वह सब मिल करके सारे कबीले मिलके दे देंगे। इस तरह से यह प्लानिंग हुई और इस साजिश को अमल में लाने के लिए आधी रात के बाद का वक्त मुकर्रर किया गया, लेकिन अल्लाह ताला अपने काम पर गालिब है, उसी के हाथ में आसमानों और जमीन की बादशाहत है, वह जो चाहता है वह करता है, जिसे चाहता है उसे बचा लेता है और जिसको अल्लाह ताला पकड़ता है उसे कोई नहीं बचा सकता है। सूरह अनफाल के आयत नंबर 8 में है, वह इज यम करु बिकल लजीन कफरु लियुस बितुका और यक तू लका और युख रिजुका वयम करून वयम कुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका तर्जुमा है कि जब कुफारे कुरैश जो थे वो आपस में साजिश कर रहे थे कि आपको या तो आपको कैद में डाल दें, ये तजवीज है जो पहले पेश की गई थी, या आपको शहर से निकाल दें या आपको कत्ल कर दें, और उधर वह साजिश कर रहे थे और इधर अल्लाह ताला अपनी तदबीर कर रहा था। लेकिन अल्लाह क्या करता है, सबसे बेहतर प्लानिंग करने वाला, सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। उनके यानी कुफारे मक्का के साजिश की खबर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी थी और उनको यह भी बता दिया गया था कि आज वह अपने बिस्तर पे नहीं सोए और वहां अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुला दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली कि ऐसी आज होने वाले है, ये प्लानिंग है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया और वजू किया और वजू करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ ले गए और पूरे जो थे 11 लोग जो थे 11 कबीले से, सारे जैसे लाइनिंग में खड़े हुए थे, सभी तलवार हाथों में लेके कि जैसे ही वह घर से निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर एक साथ वार किया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और एक मुट्ठी मिट्टी ली और सभी काफिरों के ऊपर उन्होंने फेंक दी, शाहतुल वजू करके, यानी यह चेहरे बिगड़ जाए। और अल्लाह ताला के करम से वह जहां थे वहीं पे बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए, कोई हिल नहीं सके, बिल्कुल स्टैचू की तरह से। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल रहे थे तो सूरह यासीन की आयत नंबर 1-9 तक की तिलावत फरमा रहे थे, जिसमें 9 नंबर आए थे, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दौ व मिन खल्फिहिम सद्दौ फअग्सैनाहुम फहुम ला यबशुरून। इसका तर्जुमा है, और हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी और एक दीवार उनके पीछे खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें हर तरफ से ढांक लिया, इसलिए अब वह कुछ भी नहीं देख पाते। यानी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा दी और वो रात भर वहीं खड़े रहे। जब सुबह हुई तो किसी ने बताया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते हुए देखा, फिर उनको लगा कि अरे वो तो सो रहे हैं, फिर जब उन्होंने झांक के देखा तो
वो चादर ओढ़े सो रहे थे। फिर उन्होंने इंतजार किया, फिर बाद में जब सुबह हुई तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर आए, फिर वो समझे कि हमारी तदबीर कामयाब नहीं हुई। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि यह ईमान लाने वाले क्यों आजमाए जाते हैं, आखिर क्या वजह है कि किस कदर कुफारे मक्का ने इस्लाम कबूल करने वालों पर जुल्म और ज्यादती किया, और वह किस वजह से, किसकी लिए ये सारी अजियतें, ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे। हमें पूरा यकीन है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो पैरोकार थे, सहाबा थे, सभी अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला अपने नबियों को और उनके फॉलो करने वालों को से मोहब्बत करता है, लेकिन फिर क्यों आजमाता है, आखिर इसकी क्या वजह है, फिर क्यों उन्हें अजियतें दी जाती हैं, और वह इसके पीछे क्या हिकमत है। ऐसे जुल्म सितम, ऐसी इजारसानी, ऐसी सख्ती और ऐसी मुश्किलात को बर्दाश्त करने में क्या हिकमत है, क्यों नहीं ईमान वालों की हिफाजत की जाती है, और क्यों नहीं उन्हें फौरन कामयाबी मिल जाती है, क्यों नहीं जो मदीना में थे वो मक्के बुलाए गए, और क्यों मक्का वालों को हिजरत करके मदीना जाना पड़ा। सिर्फ हमारे ही मजहब में नहीं बल्कि दूसरे मजहब में भी, जैसे जो ईसा अलैहिस्सलाम थे उनको भी अजियतें दी गई रोमन बादशाहों के जरिए से, और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को फिरौन की तरफ से भी तकलीफें दी गई। आखिर इसका क्या मकसद है कि इस जमीन पर अजीम इंसानों को अजियत दी गई, तकलीफें पहुंचाई गई, आखिर क्यों उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से यह सब बर्दाश्त करना पड़ा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की ओझड़ी डाली गई, आखिर क्यों। इसके पीछे बहुत से वजूहात हैं, सिर्फ एक नहीं। पहला और सबसे अहम वजूहात यह है कि हमें और उन्हें और हमें सबको याद दिलाना है कि अल्लाह ने हमें बेमकसद नहीं बनाया है। क्यों बनाया है? अल्लाह ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसके हुक्म को माने। अल्लाह ताला सूरह मुल्क आयत नंबर 2 में फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलकल वल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसन अमला, जिसका ट्रांसलेशन है अल्लाह जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर है। अल्लाह ताला कौन है? वह है अल्लाह जिसकी वजह से हम आज दुनिया में हैं, और उसी की वजह से हम अच्छी जिंदगी जीते हैं और बुरी जिंदगी भी जीते हैं, यानी मुसीबतें भी आती हैं और खुशियां भी आती हैं। सभी इंसानों की जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते हैं, ऐसे मौके आते हैं जब इंसान हंसता भी है और रोता भी है, और रसूलों और उन पर ईमान लाने वालों के जरिए से अल्लाह ताला हमें याद दिलाता है यह दुनिया सिर्फ जिंदगी बिताने के लिए नहीं है, इसके बाद भी एक दुनिया है। कौन सी दुनिया है? जो कि अबदी जिंदगी, जहां पे हमें जाके वहां जीना है, जहां मौत नहीं आएगी, और इस दुनिया की जिंदगी से बेहतर है, अजीम है। इसके लिए हमें क्या करना है? अल्लाह के रहमत का जरिया तलाशना है, और या जो रहमत है इसी दुनिया में कमाना है, और जन्नत जो है इस दुनिया के अमलों के का जरिए जन्नत तक पहुंचना है। जन्नत में जाने इतना आसान नहीं है, जन्नत में दाखिला जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से ही हो सकती है, हमारी नेकी के जरिए से नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत से ही मिलेगी। सही बुखारी में एक हदीस है जिसका मफहून है, जिसके रावी है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को उसका अमल निजात नहीं दिला सकता, यानी छुटकारा नहीं दिला सकेगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या आपको भी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुझे भी, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत के साए में ले ले। बस तुमको चाहिए कि दुरुस्ती के साथ अमल करो और म्याना रवि अख्तियार करो, यानी हर काम में बैलेंस अख्तियार करो, तभी
जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ यह हिकमत के सामने आती है कि आखिर अल्लाह ताला ऐसा क्यों करता है। अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद आयत नंबर 31 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि यकीनन हम तुम्हें आजमाएंगे ताकि तुम में से कोशिश करने वालों और सब्र करने वालों को जाने। अल्लाह ताला की यह हिकमत हमारे सामने आती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से चुनता है कि कौन खालिस बंदा है और कौन अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रहता है, कौन आखरत और दुनिया में अल्लाह की रहमत चाहता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा कि हम तुम्हें जिहाद करने, अल्लाह की राह में खर्च करने और अल्लाह के हुक्म मानने वाले को आजमाएंगे ताकि देखेंगे कि किसने इखलास के साथ हमारी राह में जिहाद किया, यानी स्ट्रगल किया, कोशिश की अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए, अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए और सब्र व साबित कदमी का भी सबूत दिया, और कौन उन अहकाम से तंगदिल हुआ, यानी अल्लाह के अहकाम जब उतरे तो उसको वह बुरे लगे, भारी लगे, और तुम्हारे कहने और अमाल के मुतल्लिक जो खबरें हैं हम उन्हें जाहिर करेंगे ताकि लोग जान लें कि किसने हमारे हुक्म को पास रखा और किसने नाफरमानी की। मोमिन हमेशा आजमाइश में डाले जाते हैं ताकि उनका ईमान खालिस हो और उनके गुनाह मिट जाएं। सूरह अनकबूत आयत नंबर 2 में ये फरमाया गया है कि, जिसका तर्जुमा मैं यहाँ बताऊंगी, क्या लोगों ने यह समझ लिया है कि उनको सिर्फ इतना कह देने से कि हम ईमान लाए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा और वह आजमाइश में नहीं डाले जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के जरिए मक्का के मुसलमान और आज के हम सभी मुसलमानों से यही कहा कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारी आजमाइश जरूर होगी और तुम्हें साबित कदमी और सब्र के साथ उनसे गुजर कर अपने ईमान की ताकत का सबूत देना होगा। अल्लाह ताला हमेशा से अपने मोमिन बंदों के साथ यही दस्तूर रहा है और उन्हें आजमाता है ताकि अमली तौर पर यह साबित हो जाए कि उनमें से कौन सच्चे ईमान पर है और कौन झूठा और मुनाफिक है। अल्लाह ताला हमें सच्चे ईमान वालों में शामिल करे। आगे एक और आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 214। أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ کیا ہے اس کا ترجمہ کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے हालांकि तुम पर वह हालात नहीं गुजरे जो तुमसे पहले वाले लोगों को पेश आए, उन्हें सख्तियां और तकलीफें झेलनी पड़ी और वह इस तरह हिला मारे गए, जुलजलू जो है वह हिलाने को कहते हैं, इस तरह हिला मारे गए कि अल्लाह के रसूल और जो ईमान वाले थे वह पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब ही है। अल्लाह ने मुसलमानों को खिताब करके यह फरमाया है कि तुमने यह कैसे समझ लिया कि बगैर इम्तहान व आजमाइश के से गुजरे बगैर तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हम दुनिया में एक डिग्री हासिल करने के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं और रात रात को जाग के एग्जाम देते हैं, तो क्या इस यह जो दुनिया का टेस्ट है जो कि हमेशा अब्दी जिंदगी के लिए है वह ऐसे ही हासिल हो जाएगा। हालांकि अभी तक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हालांकि अभी तक तुम्हारी वैसी आजमाइश नहीं हुई है जैसी आजमाइश पहले के नबियों और मोमिनों पर हुई। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो नबी थे और जो ईमान लाने थे वाले थे वह शिद्दत कर्ब से बिल्कुल बिलबिला उठे, इतनी तकलीफें दी गई, इतनी ज्यादा उन पर शिद्दत से जुल्म ढाए गए, तो वो कहने लगे कि ऐ अल्लाह तू अपनी मदद भेज, और जब इम्तहान हो चुका तो अल्लाह ने कहा हाँ अब अल्लाह की मदद मेरे मोमिन व साले बंदों के करीब है।
क्योंकि अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तो आजमाना चाहता है कि मैदान अमल में कौन बंदा सच्चा है। इसलिए मुसीबत और आजमाइश में हमेशा साबित कदमी दिखाना है, इस आयत से हम ये लेसन लेते हैं। यह आजमाइश से हमने क्या सीखा कि अल्लाह की रहमत आजमाइश कैसे होती है, कैसे मिलती है, अल्लाह की रहमत कैसे आती है, आजमाइश और इम्तहान के जरिए से, स्ट्रगल के जरिए से, जद्दोजहद कोशिश से, तकलीफ दुख मुसीबत और कोशिश सब सभी जिंदगी के हिस्से हैं। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों से बहुत ही मोहब्बत करता है, इसलिए वह मोमिन बंदों के ईमान सब्र और साबित कदमी का इम्तहान लेता है। हर आजमाइश एक सबक होती है जिससे हम सीखते हैं। जिन लोगों ने खुदा की रहमत पर यकीन और दिल में सब्र रखा और उसे उन्हें जन्नत की रहनुमाई मिलती है जो कामयाबी का रास्ता है। हम अपने आप से पूछें कि जब कोई मुसीबत कोई तकलीफ हमारी जिंदगी में आती है या हमारी प्लानिंग के मुताबिक हम कोई काम करने वाले हैं लेकिन वह काम हो नहीं पाया, कुछ ना कुछ रुकावट आ गई, तो क्या हम अल्लाह के इस फैसले पे राजी रहते हैं या फिर झुंझलाते हैं और यह कहते हैं मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। आज के दौर की जो आजमाइश है, जो पिछले 8 महीने से लगभग हम झेल रहे हैं, जिसे हम वबा कह लें, बीमारी कह लें, आजमाइश कर लें, क्या हम एक मोमिन होने के नाते इसमें खैर को तलाश कर रहे हैं? क्या आजमाइश हमारे ईमान में इजाफा कर रही है या हमारे ईमान को घटा कर रही है? यह अपने आप से सवाल करने का वक्त है और सेल्फ चेकिंग का। हमेशा से ईमान लाने वालों को कुछ न कुछ तकलीफें पहुंचती हैं। कुछ दिनों पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगलियां उठाई गई, हमें इमोशनली अजियत पहुंचाई गई और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुछ फ्रांस में कहा गया, वह क्या हमारे दिल को उससे तकलीफ नहीं पहुंची? अगर वाकई तकलीफ पहुंची है तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अपने ईमान को मजबूत रखेंगे और इसको तो जरूर हमारे दिल में तकलीफ पहुंची क्योंकि हमारे नबी को कुछ कहा गया है। लेकिन एहतजाज करने के साथ साथ हम यह भी करेंगे कि अपने नबी की किसी सुन्नत को जिंदा करें, यह हमारे नबी से मोहब्बत का जरिया है जिसमें हमें साबित कदम रखना पड़ेगा। सूरह अलम नसरा लका की आयत है जो कि हमें यह एहसास दिलाती है फइन्नमाल उस्र युस्रा, यानी हमेशा तंगी के साथ आसानी है। जैसे अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को और बहुत ही मोहब्बत और शफकत के साथ दिलासा दे रहा कि घबराओ नहीं, हर मुसीबत के बाद, हर तंगी के बाद से आसानी है। यह सूरह नसर की आयत नंबर 94 है, सॉरी सूरह सरह की आयत नंबर 5 है जो कि 94 नंबर सूरह है। और जब भी मुश्किल आती है उसके बाद ही आफियत का दौर भी आता है। हम पिछले अपने सेशन में भी खब्बाब बिन अल अर्थ के बारे में पढ़े थे, जाने थे, लेकिन एक बार फिर रिमाइंडर एक बार कर ले रहे हैं कि याद दहानी हो जाएगी कि कौन थे ये खब्बाब बिन अल अर्थ। मुख्तसर तौर पे उनका जिक्र करती हूँ। खब्बाब बिन अल अर्थ एक गुलाम तबके से थे, उन्होंने शुरू में ही इस्लाम लाया और वह एक तलवारें बनाने का काम करते थे। उनकी जो ये थी मालिका थी, एक औरत थी, उनका नाम उम्मे अम्मार था और उनको ईमान लाने के बाद से उनके मालकन को पता चला तो उन्होंने अपने भाई और कुछ लोगों को भेजा कि जाके इस बात की तहकीक करे। और जब उनसे पूछा गया, वो लोगों ने पूछा क्या तुमने अपना दूसरा मजहब कबूल कर लिया, तो उन्होंने बगैर झिझक बगैर डर के उन्होंने कहा हाँ। और उनको बहुत अजियत दी गई, उनको मारा गया, उनको हर तरह से उनको गर्दन को मोड़ा गया, बालों को खींचा गया। और जब उनकी मालकन को यह खबर पहुंची तो उनको गर्म सलाखों से, जो जिस लोहे से वो तलवारें बनाया करते थे उसी लोहे से, गर्म सलाखों से उनको जलाती थी। और यहाँ तक ही नहीं, उन पर शिद्दत ढाया गया बल्कि उनको
उनके कपड़े उतार के और दहकते हुए अंगारों पे लिटा दिया जाता था, और उनके जो चमड़ी जलने के बाद खून और जो चर्बी से अंगारे बुझ जाते थे, और उनके ऊपर एक आदमी बैठा रहता था जिसकी वजह से वो करवट भी नहीं बदल सकते थे। अल्लाह अकबर, कितनी ज्यादा अजियतें बर्दाश्त की हैं अल्लाह की तौहीद की खातिर। और उनकी उम्र क्या थी, वह टीन एजर थे ऐसा उनके बारे में है, और एक नौजवान लड़का कितनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा था। बुखारी शरीफ में एक हदीस का मफहूम है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में बैठे हुए थे और खब्बाब बिन अल अर्थ रजिल्लाहु तआला अन्हु गए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप हमारे लिए मदद क्यों नहीं मांगते और अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमसे पहले नबियों और उन पर ईमान लाने वालों का हाल यह हुआ कि उनमें से किसी एक को पकड़ लिया जाता और गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया जाता और उनके सर पर आरा चलाकर उनके दो टुकड़े कर दिए जाते और लोहे के कंघे उनकी गोश्त में यानी उनके मसल्स में चुभो कर और हड्डियों तक खरोचा जाता था। अल्लाह अकबर, लोहे के कंघे के जरियों से उनके गोश्त को हड्डियों से अलग किया जाता था, लेकिन यह आजमाइश उन्हें अपने दीन से नहीं रोक सकी। अल्लाह की कसम, इस इस्लाम का काम मुकम्मल होगा। और एक सवार सनआ से हजरे मौत, इसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, जाएगा, अकेला सफर करेगा और उसे कोई खौफ नहीं होगा, यानी वह अमन होगा उस वक्त। और एक बकरियों का चरवाहा, जो बकरियों को अगर कोई ले जा रहा होगा तो एक भेड़िए के अलावा, यानी भेड़िया उनके बकरियों को खा जाएगा, इसके अलावा किसी लुटेरे किसी राहजनी का खौफ नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का यकीन था कि जिस दीन को नाफिज करने के लिए अल्लाह ने उनको भेजा है वह मुकम्मल होकर रहेगा। और जिन नबियों के बारे में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, वाकई ऐसा हुआ था। और जो ईसाई लोग थे, जो कि मुस्लिम ही थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, उसको रोमन जो बादशाह थे, उसमें एक नीरो बादशाह का नाम है, जो कि क्या करता था, ईमान लाने वालों को, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों पर पेट्रोल छिड़क के और रात में स्ट्रीट लाइट की तरह इस्तेमाल करता उनको खंभे पे टांग के। कैसी अजियतें थी, कैसी यह तकलीफें थी जिसको इस्लाम को नाफिज करने के लिए लोगों ने उसको बर्दाश्त किया। आगे सूरह आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 100 है, जिसको मैं पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك فوز العظيم। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह जो जिन्होंने जो साबिकून अल अव्वलून थे, यानी हक की आवाज पे जो लोग सबसे पहले हक को कबूल किए, उनके बारे में है कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वह सब अल्लाह से राजी हुए और अल्लाह ने उनके लिए ऐसी जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जब भी वह हमें जब उनमें वह हमेशा के लिए रहेंगे, यानी यह अजीम कामयाबी है, अल फौजुल अजीम है। यह कामयाबी किन लोगों के लिए है जो हक के सामने आने के बाद फौरन कबूल कर लिए, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी है, उन्होंने नहीं सोचा कि इसको कबूल करने के बाद आगे का अंजाम क्या होगा, और बिल्कुल वो अल्लाह के इस फैसले पर राजी हो गए और अल्लाह भी उनसे राजी हो गया। हम और आप भी ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं जब अल्लाह के दिन की खातिर बुलाने पे फौरन हाजिर हो जाएं, एक कॉल पे हाजिर हो जाएं। इस बात का रिमाइंड आते कि आज क्लास है, हम हाजिर हो जाएं और उस पर अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी ऐसे लोगों में शामिल कर ले, लेकिन इसको हासिल करना पड़ेगा। अल्लाह की रहमत यूं ही तो नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की रहमत यूं ही नहीं मिल गई, उसके लिए उन्होंने कोशिश किया और उनके सहाबा ने भी कुर्बानियां दी, तकलीफें बर्दाश्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इतनी अजियत दी गई
इतनी इज्जत दी गई कि पत्थर मारे गए, लहूलुहान हो गए, और अल्लाह की रहमत उनके लिए हमेशा है। इस तरह सहाबा कराम ने भी जाहिरी तौर पर बिल्कुल आगे किए मैं किया क्यों किया, उन्होंने दिखाया हम सबको कि जाहिरी तौर पर एक डिमोन्स्ट्रेट करके उन्होंने दिखाया कि जो कुछ उन्होंने किया वो हमारे लिए एक लेसन था, और बिल्कुल क्लियर करके वह कि वह कितने अजीम थे हम सब से, वह भी इंसान थे हमारी तरह, उनके अंदर भी तकलीफें और जो आजमाइशें थी उन पे जरूर उनको तकलीफ पहुंचती होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र किया। आगे की स्लाइड में है कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सही बुखारी की हदीस है जिसका मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर मेरे जमाने के लोग हैं, फिर वह लोग, यानी सबसे बेहतर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस जमाने के लोग थे, और फिर वह लोग होंगे जो उसके बाद होंगे, फिर वह लोग जो उनके बाद होंगे, और उसके बाद से ऐसे लोगों का जमाना आएगा जो कसम से पहले गवाही देंगे, यानी गवाही दे देंगे और कसम नहीं खाएंगे, और या फिर गवाही से पहले कसम खाएंगे, यानी कैसी बात होगी कि कसम भी खाएंगे और गवाही भी देंगे, पता नहीं ये सच बात होगी या झूठी बात होगी। तो जो कुछ हमारे लिए उन लोगों ने तकलीफें बर्दाश्त की और आज दीन हमें यूं ही हासिल हो गया है, हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, लेकिन जो सहाबा करम है जो कुछ उन्होंने किया हमारे सामने, हमारे लिए एक उन्होंने नमूना पेश किया, वह सब उराया नहीं गया और अल्लाह का दीन कायम हुआ जो कि ता क्यामत तक वह दीन चलता रहेगा। आगे हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वह इस्लाम के जमाने में थे और कितनी इस्लाम के जमाने को लाने के लिए कितनी मेहनत कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। आज जबकि हम एक इस्लाम घराने में पैदा हो गए हैं तो जो कुछ हमारे पास है कुरान के जरिए से हदीस के जरिए से जो कुछ हमें मालूम होता है तो क्या हम उसको कबूल करते हैं, क्या हम उस पर अमल करते हैं कि जिन लोगों ने जुल्म व सितम उठाकर इस्लाम को कबूल किया और हमारे लिए सचमुच मिसाल है और वह हमारे लिए चमकते हुए सितारे हैं। सूरह मुजादला आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रजू अन्हु उलाएका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ्लिहून, जिसका ट्रांसलेशन है अल्लाह उनसे राजी हो गया और वह उससे राजी हो गए, वही अल्लाह की जमात के लोग हैं, और आगाह रहो यानी खबरदार रहो कि अल्लाह की जमात के लोग ही कामयाब होने वाले हैं, यानी कौन कामयाब होगा जो कि अल्लाह की जमात का है, और अल्लाह के जमात का लोग कौन है जो अल्लाह की बातों को मानता है, अल्लाह के हुक्म को मानता है, उस पर बगैर कुछ अपने दिल में तंगी महसूस किए हुए उस पे अमल करता है। ऐ अल्लाह हमें भी अपनी जमात के लोगों में शामिल कर ले। इसके साथ ही मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए अपनी टीचर फरहत को बुलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकअल्लाह खैर शाहिना।